तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 times नहीं 1000 times बेटर देन शुभाष शरीफ। कंपेरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 times भारत आ गया किसी भी फील्ड में। अब नरेंद्र मोदी जो थी उसकी जो पोस्ट थी उसकी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने उस दिन 36 satellites स्पेस में भेजे थे, ठीक है, उसकी ये पोस्ट थी अपने फेसबुक पेज पे, इससे रिलेटेड पोस्ट थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट भेजे हैं 36 स्पेस में। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ की पोस्ट क्या आती कि वो आटे की लाइनों में जो है ना लग के जायजा लेना है कि वाम को आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इंडियन करेंसी जो है दुनिया के 18 से 20 ममालिक में जो है ना वो चल रही है और 22 में आ गई है, ठीक है। और आपकी पाकिस्तानी करेंसी का ये हाल है कि आपका 75 का नोट आपका अपना दुकानदार नहीं लेता। पाकिस्तानियों से पूछा जाता है मोदी कैसा है तो मोदी को गालियां देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ कौन अच्छा है तो वो मोदी की तारीफें करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लोग भाई जानते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने उनको बर्बाद कर दिया। क्या बोलता है पाकिस्तान का युवा, चलिए सुनते हैं। लाइफ कैसी जा रही है आपके पाकिस्तान के अंदर? बस लाइफ तो मिजरेबल ही जा रही है, आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया हुआ है, जहाँ आपका मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, तो बस चल रहा है पाकिस्तान। एज अ आप टेलीकॉम इंजीनियर हो के मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो एक आम जो शहरी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मतलब इतना तालीमी याफ्ता नहीं है, उसकी लाइफ कैसी गुजर रही होगी? वो तो सर फिर वो अनअंडरस्टैंडेबल है ना, अगर एक जॉबिफाइड बंदा है जिसके पास अच्छी खासी जॉब है वो इस इन्फ्लेशन में इन हालात का शिकार है, तो फिर आम जो मजदूर तबका वो तो आप कंसीडर ही नहीं कर सकते कि वो किन हालात से गुजरा होगा, उसको किन मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए मैं अभी 50 से 60 हज़ार मंथली कमा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता पैसे कहाँ जाते हैं, ठीक है, मतलब 10 दिन बाद मेरे पास जो है ना सैलरी मेरी खत्म हो जाती है। तो एक जो मजदूर बंदा है वो 500-600 दिहाड़ी लगा रहा है दिन की, ठीक है, जिसकी मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार है, तो वो क्या उसने मंथली किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि टीवी वगैरह देखते हैं? जी जी बहुत देखता हूँ सर। मुझे ये बताएं कि ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, कोई यूरोप की बात नहीं करूँगा आपसे, चाइना तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन अगर मैं भारत की आपसे स्पेसिफिक होकर बात करूँ, आपको क्या लगता है कि भारत इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितनी तरक्की कर गया है, हमसे आगे है हमसे पीछे है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भारत को लेकर? सर अपना कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 times भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो है ना उठा लें उसको, आईटी में उठा लें, आप शोबिज़ में उठा लें, इंटरटेनमेंट और कोई भी दूसरी रेलवे इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजीज़ किसी भी फील्ड में आप जो है ना भारत से तो कंपैरिजन जो है ना कर ही नहीं सकते ना। और इसकी बहुत सारी रीज़न है, जो मेन रीज़न मुझे लगती है ना वो ये है कि उन्होंने प्रायोरिटी अपनी जो है ना आज से 30-40 साल पहले आप अगर देखें ना तो पाकिस्तान और इंडिया जो है ना दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े थे, लेकिन उस पॉइंट से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की, ठीक है, और उन्होंने जो है ना लाइन सेट की और मुल्क को उस जो है ना अच्छी लाइन पे लेके चले, लेकिन हमने अभी तक अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गए हैं और हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अच्छा आपको क्या लगती है, इधर मैं किसी भी एक आम शहरी को रोक के पूछूं तो वो कहता है भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि आपका गुजारा हो जाता है वो कहते हैं यहाँ पे भी मरी जा रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें रवायती मतलब पुरानी चली आ रही हैं दिमागों में, मतलब या वाकई भारत में गुर्बत है या भारत अब बदल चुका है? सर इसका बेस्ट आंसर जो ये है कि परसेंटेज देखेंगे ना, ठीक है, कि परसेंटेज कैसी है पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम, पाकिस्तान में कितना पर कैपिटा इनकम, इंडिया में कितना है। अभी देखें आप इंडियन करेंसी जो है दुनिया के 18 से 20 ममालिक में जो है ना वो चल रही है और 22 में आ गई है, ठीक है, और आपकी पाकिस्तानी करेंसी का ये हाल है कि आपका 75 का नोट आपका अपना दुकानदार नहीं लेता, ठीक है, तो नाइजीरिया कीनिया और जो करप्ट जो है बैंक करप्ट जो नेशन है उनकी करेंसी आपके ऊपर चली गई है। तो बात यह है कि कंपैरिजन आप करते हैं अगर तो परसेंटेज देखते हैं कि उनमें गुर्बत कितनी है और पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है, लेकिन वो है कि उनकी दूसरी चीज़ें भी देखें ना कि वो गुर्बत को दूर करने के लिए क्या क्या जो है ना स्टेप ले रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं, ठीक है, वो इंडस्ट्री पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मेड इन इंडिया जो है उनका बहुत ज़्यादा अभी जो है ना दुनिया में चल रहा है, जैसे मेड इन चाइना था ना उनका मेड इन इंडिया है, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया में उन्होंने पता नहीं कितने 100 चाइनीज़ कंपनी जो है ना उनको बंद कर दिया, उन्होंने बोला हम चीज़ें खुद बनाएंगे, तो वो उनके गुर्बत नो डाउट उधर भी है अभी तक, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं और आने वाले मजीद सालों में वो दूर कर देंगे। लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं? सर पॉलिटिशियंस तो सारे ऐसे होते हैं, लेकिन आप देखें पूरे अगर मैं वज़ीर आज़म की बात करूं, जितना भी भारत के दौरे हुकूमत में रहे हैं नरेंद्र मोदी जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनके दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड ब्रेक मतलब जो है वो डेवलपमेंट हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान में किसी बंदे से नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो बड़ा हेट दिखाता है, बड़ा अग्रेसिवनेस शो करता है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि शहबाज शरीफ बेहतर है नरेंद्र मोदी बेहतर है तो साथ ही वो कह देते हैं नहीं 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 वो उनका मोदी बेहतर है, हमारा शहबाज शरीफ बेहतर नहीं है। तो आपको नहीं लगता डुअल पॉलिसी पाकिस्तान में भी है, हम सक्सेस मानते भी हैं और हम इकरार भी नहीं करते कि वो तरक्की कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का हाथ है उसके पीछे? जी सर बिल्कुल, मतलब यही है कि अगर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करना शुरू कर दें, ठीक है, अगर आप इंडियन पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो एज एन इंडियन वो अपने देश जो है ना मुल्क के साथ वो काफ़ी हद तक जो है ना मुखलस हैं, ठीक है, और ये बात मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में जो है ना वो नज़र नहीं आती ज़्यादा, मैं समझता हूँ इसकी ये जो है ना बहुत बड़ी रीज़न है। आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ, शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर है नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर है, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर जिस तरह से मैं शहबाज शरीफ अभी देखें 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी यहाँ से, अभी 2023 चल रहा है,
नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी इंडिया में 2013 में आई थी, ठीक है, तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। मतलब ये आप दिल से कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं अपने मुल्क के लिहाज से ना, वैसे वो मुसलमानों के साथ कैसे उनके रिलेशन हैं, वो किस तरह ट्रीट कर रहे हैं मुसलमान, वो एक अलग बात है। आपने अब आपने मौजू छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा इस पर भी आ जाएं। एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने मुसलमानों की तादाद है उससे ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत में रहते हैं, अगर इतना ही जुल्म होता है तो अम्बेसी में क्यों नहीं रिक्वेस्ट आती उनकी कि पाकिस्तान हम आना चाहते हैं? वो तो बाकायदा कहते हैं कि हमने पाकिस्तान आने वाला, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल चल रही है, पूरी दुनिया देख नहीं रही। तो मतलब अगर इतना ही जुल्म होता है तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे? सर ये बैड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं ना, बाकी ये इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। ये है कि अगर उधर मुसलमानों पे जुल्म होते तो ऐसा नहीं है कि इधर माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में उन पे कोई जुल्म नहीं होता, ठीक है, काफ़ी केसेस सामने आए हैं हमारे विदाउट एनी एविडेंस, किसी को भी जो है ना मुसलमान बंदा एक उठा के दूसरे को मार देता है, ठीक है। तो ये है कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन ये आपने क्वेश्चन किया था कि अपने मुल्क के लिहाज से कौन बेटर है, तो मैं ये नरेंद्र मोदी जो है ना बेटर 100 टाइम बेटर है। अच्छा, आपका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन चले, हम भी बुलेट ट्रेन में सफ़र करें, लाहौर से कराची का सफ़र जो है वो बुलेट ट्रेन के जरिए हो, जापान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भारत में बुलेट ट्रेन चला रहा है, ये जापान पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? सर वो बात वही है ना कि प्रायोरिटी हमारी वो नहीं है ना, हमारी प्रायोरिटी वो है कि बस हमारे पॉलिटिशियन जो है लीडर है उनकी खास तौर पर प्रायोरिटी है कि बस अपना बनाना है। एप्पल ने अपना स्टोर अभी रिसेंटली भारत में ओपन किया है, पाकिस्तान नहीं आए वो लोग। तो देखे ना, एप्पल का स्टोर पहली दफ़ा 1990s में पाकिस्तान में आया था, लेकिन माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियन उस वक्त ऐसे थे, उन्होंने उसको ट्रीट इस तरह किया कि उन्होंने अपना जो है ना वो स्टोर उठा के जो है ना अपना वो इंडिया में ले गए, इंडियन उन्होंने इंडियन जो है उन्होंने अच्छा ट्रीट किया उनको, मतलब आप हाथों पर उठा लिया, ठीक है। तो उधर अपने स्टूडेंट जो उनको इंटर्नशिप करवाई, जॉब्स करवाई, आज आप देखें दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके CEO वाइस प्रेसिडेंट जितने भी हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की है, ठीक है। तो वो यही स्टूडेंट थे जो उधर उनके ऑफिस में पढ़े थे, उनके ऑफिस में उन्होंने इंटर्नशिप की थी, तो बस यही है प्रायोरिटी उन्होंने सेट की थी। आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इसरो डिपार्टमेंट उनका है स्पेस प्रोग्राम का उसमें काम कर रहे हैं, नासा के अंदर काम कर रहे हैं, और स्पेस प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं आप भारत के? जी सर बिल्कुल, स्टडी एजुकेशन में तो इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है ना, इंडिया की 350 सैटेलाइट अब तक लॉन्च कर, ठीक है, इंडिया की आई टी एक्सपोर्ट जो है वो देखे। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया का जो सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एक जो ब्रिलियंट इंडिया का अच्छा स्टूडेंट है ना वो ग्रेजुएट होने से पहले मार्केट से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ले के निकलता है अपने स्टार्टअप के लिए, ठीक है। उस स्टार्टअप से वो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बनाता है अपनी, और इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट को देखें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है उसकी माशाल्लाह सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट जो है ना वो CSS होती है। मैं CSS कर लूँ, वीगो डाला मेरे नीचे आ जाए, तो बस यही होगा, लेकिन इंडियन ऐसा नहीं सोचते, इंडियन IT में बहुत आ गए हैं, एजुकेशन में बहुत आ गए हैं, स्पेस प्रोग्राम में कितना प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान बस मजाक ही उड़ा सकते हैं, हम मीम ही बना सकते हैं उन पर, ठीक है। मतलब एक उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप क्या हो गया था तो यहाँ पे चंद्रयान उनका फ्लॉप हुआ है, तो पाकिस्तानियों ने मीम बनाना शुरू कर दी, चले वो फ्लॉप हुआ है दूसरा बनाएंगे तीसरा बनाएंगे, ठीक है। एलन मस्क ने भी ऐसा किया था ना, ठीक है, वो बैंकक्रप्ट हो गया था, फिर उसका जाके जो है ना स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। वजह कि हम मजाक उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है, वही ना मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि तमस्कर उड़ाते हैं हम, ठीक है, किसी का मुकाबला ना कर सकते हैं तो उसको हेट करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू। पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा गया मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तानी अगर मोदी के बारे में पाकिस्तानी से पूछते तो पहले गालियां देते हैं, लेकिन जब उनको कंपैरिजन की बातें बोली जाती तो फिर वो बोलते नहीं भाई मोदी अच्छा है, मोदी ने तरक्की करी है, इंडिया को एक अच्छे लेवल पर मोदी जी जो लेकर के गए। दोस्तों अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है आने वाले समय में इंडिया इतना डेवलप कर जाएगा, इतना ज्यादा डेवलप कर जाएगा कि हम विदेश में जाने की बजाय हम इंडिया जाने के लिए वीजा लगवाएंगे, यार हमें इंडिया जाना है, इंडिया में काम करेंगे, इंडिया से पैसे कमाएंगे। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो कुछ समय पहले इंडिया को गाली देता था और कहता था कि इंडिया के अंदर तो भाई बदबू है, मतलब नालियों पे लोग सोते हैं, गंदगी है, रोड पे लोग सोते हैं। आज वही पाकिस्तान बोल रहा है कि हमें इंडिया विजिट करना है पैसे कमाने के लिए। पाकिस्तान के जो युवा है वो समझते हैं कि भाई हाँ पाकिस्तान ने कैसे सबको बर्बाद कर डाला है और इंडिया कितना डेवलप है, हमारे पॉलिटिशियन जो है इंडिया के नाम पे भड़काते हैं और खुद जो है बहुत मजे ले रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है भाई पाकिस्तानियों की ऐसी गंदी हालत भाई कभी से बाहर निकलने वाले हैं और निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे, तो अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर भाई आप मेरी तरह भारतीय होने पर प्राउड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई हाँ शुक्र कि हम भारत का हिस्सा भारत में रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।